जब जन्माष्टमी का अवसर आता है तो हम भगवान कृष्ण की अलग अलग तरह की मूर्तियां ले आते हैं पूजा उपासना करने के लिए। तो जन्माष्टमी के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति का चुनाव कैसे करेंगे? सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की स्थापना होती है और उन्हीं की पूजा जन्माष्टमी पर करते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी मनोकामना के आधार पर भगवान कृष्ण के जिस स्वरूप को चाहें उस स्वरूप को स्थापित कर सकते हैं। जैसे प्रेम के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की स्थापना करिएगा। प्रेम का जो प्रतीक है, युगल जोड़ी का जो प्रतीक है, वो राधा कृष्ण हैं, उनकी स्थापना प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए होगी। संतान के लिए बाल कृष्ण की स्थापना होगी और सभी मनोकामनाओं के लिए बंशी वाले भगवान कृष्ण की स्थापना की जाएगी। जन्माष्टमी का पर्व इतना ज्यादा शुभ है, इतना ज्यादा मंगलकारी है कि इस दिन शंख की और शालीग्राम की स्थापना भी आप कर सकते हैं। यानी जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति ले आइए। अगर आप चाहें तो इस दिन शालीग्राम और शंख को लाकर भी अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का विशेष मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, अगर आप इस मंत्र का निरंतर जप करना शुरू कर दें तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। कम से कम इतना जरूर करिए कि रोज सुबह के समय 108 बार इस मंत्र को पढ़िए, आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और दूसरी बात, कष्ट के समय में खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय इस मंत्र को दोहराते रहिए। परम कल्याणकारी मंत्र है, श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा इस मंत्र के जप से आपको प्राप्त होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।